सूखे में। ए चंपा, एक घड़ा पानी मुझे पहल डाल दो बेटी। लो 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 काकी। क्या बात है काकी, आज तुम पानी भरने आई हो, बहू कहाँ गई? अरे बहू कहाँ जाएगी, तब तक कान के घर में सोई पड़ी है। क्या हुआ काकी? हुआ क्या, काम चोर को सौ बहाने। ए मुन्नो, अरे यहाँ क्या कर रहे रे? राम, इतने सारे आम, ये तो मंगरू के पेड़ के हैं। आज पता चला कि गांव में कौन चोर है। अरे मिनी, हमारे पिछवाड़े से केले कौन चुराए? झूठ मत बोलो काकी, मैंने नहीं चुराए। क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? सब बता, किसे चुराए? मैंने नहीं चुराए। एक तमाचा मारूंगी, मुंह उधर घूम जाएगा। कल की छोकरी मुझे झूठा बना रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चार जा, मैं आज अभी जाकर तेरे बाप से शिकायत करती। हाँ हाँ कहो जाकर। हाँ हाँ कहूंगी, ये तू गवर्नर लगी हुई है। चल रे मन्नू चल। बाप रे बाप, ये लड़की है या आफत की पुड़िया? मैंने भी बचपना देखी, जवानी देखी, दरअसल बच्चों का पालन पोषण किया, लेकिन क्या मजाल थी मैंने बच्चे किसी को हाथ पर लगाए, किसी का किसी चीज को। अरे छोकरी है, इसे मन में किसी का डर ही नहीं है। काकी क्या नाश हो जाए, देखा मीनू की माँ। ये मीनू सुबह एक बार दिखलाई पड़ी, उसके बाद कहीं दिखलाई नहीं पड़ी, कहाँ चली गई? खुद ही देख लो, छह महीने के बाद चार दिन के लिए घर आए हो, इतना भी नहीं दो घड़ी बाप के पास बैठ जाए, पर घर में उसका पांव टिकता है भला? मुझे भूख प्यास भी लगती है ये नहीं। भूख प्यास लगे भी तो क्या, घुस जाएगी किसी के बाग में और कच्चे पक्के आम अमरुद जो पाएगी खा लेगी। उसको घर का खाना रुचता ही कब है? क्या करूं, कितना समझाऊं, मैं तो क्या कहकर हार गई, मगर उस पर जैसे कुछ असर ही नहीं होता। अभी बच्ची, मारू पीटू तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इतनी दुलारी है तुम्हारी कि उसके आंसू तुमसे देखे नहीं जाते, न जाने कब अकल आएगी। चल, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। ए मीनू की माँ। अरे काकी आओ आओ। अरे क्या आऊं, पहले बताओ तुम्हारी मीनू कहाँ है, बुलाओ उसे मेरे सामने। मीनू यहाँ कहाँ है? अरे बेकार झूठ बोल रही हो, अभी अभी तो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अंदर जाते हुए, कहाँ छुपा रखा, बुलाओ उसे। क्यों इतना बिगड़ रही हो, क्या हुआ है काकी? अरे देखते नहीं हो, तुम्हारी बेटी सर पर रखा हुआ खड़ा फोड़ दिया, मुझे भिगो दिया। दो दिन से मैं अभी बुखार से उठी हूँ, अगर मुझे निमोनिया हो जाए तो तुम मेरा इलाज करवाओगे? बेटी की उम्र दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जरा उसे दबाव में रहना सिखाओ, कुछ काम काज सिखाओ, चार अच्छी बातें सिखाओ। अगर यही लक्षण रहे उसके तो जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा और तुम्हारी बेटी को, समझे? चल रे मुनुआ चल। अब जाओ ढूंढ के लाओ उसे, लोगों की बातें सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए। सुनते हो? हाँ हाँ सुनता हूँ। अच्छा तू यहाँ छुपे, निकल बाहर निकल। और तुम जानती थे मीनू यहाँ है? तो जानबूझकर तुमने काकी से झूठ बोला, क्यों? तो और क्या करता, लड़की को उसके सामने खड़ा करके गालियां सुनवाता? नहीं, बस इसी तरह अपने बेटी को शह दिए जाओ। क्यों मुझे इस तरह परेशान करती है, ये तुझे अच्छा लगता है? चल अंदर चल। तुम्हारा क्या, तुम तो 50 कोस दूर अपने स्टीमर घाट पर जा बैठोगे, मुसीबत तो मेरी होती है। आना, तुम्हारा ना? नहीं, काकी ने तेरी शिकायत की इसलिए माँ ने तुझे मारा क्या? तब मेरी माँ ऐसी है ही नहीं। तो फिर अंदर क्यों बैठी है, बाहर आना। माँ ने मुझे कहा है पढ़ने को। अच्छा तू पढ़, मैं जाता हूँ।
चंदा सा चमके हो तुहार गोरिया, रूप चंदा सा चमके हो तुहार गोरिया। अनु बेटा जल्दी करो, 3:30 बजे तक अच्छी साइट है। मैं तो तैयार हूँ माँ, बस जूतों पे पॉलिश हो जाए। हरिया आए माँ जी। जब से आप शहर चले गए हैं ना, पॉलिश की आदत छूट गई। लो देख लो, ठीक भाई है ना? ठीक है। और सुन, उन लोगों से कह देना अगले पास की नवी की अच्छी लगन है। वो सब तुम बाद में कहला देना। हरिया तेरे साथ जा रहा है, वो कह देगा। वो क्या करेगा जाकर? तू अकेला जाएगा। आ गए बेटा। नमस्ते। जी तरह बेटा, यही रख दो बेटा, यही रख दो। बहुत अच्छा, बरसात हमारे गाँव को दो ही तो उपहार देती है बेटा, एक मेंढक और दूसरा कीचड़। आओ 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 बेटा। छोटा है ना, मजबूत भी, पुरखों के हाथ का बना है। आओ बेटे बैठो, काफी मजबूत है। ये अपने ही बच्चे हैं, और क्या हालचाल है जी? मेरा मतलब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से है बेटा, वहाँ कलकत्ते में होटल में रहते हो ना? नहीं तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ। मेरा मतलब वही था। तुमने तो काफी पढ़ लिख लिया बेटा, और हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। लो मिठाई खाओ बेटा, बहुत मीठी है, बहुत मीठी है, मेरी विद्या बिटिया ने अपने हाथों से बनाई है। खाओ, मैं अभी आया बेटा, तुम खाओ। देखो बेटा, ये है हमारी बेटी के हाथ का काम, है ना बारीकी, है ना सफाई। क्या रसोई में, क्या सिलाई बुनाई में, क्या गाने बजाने में हमारी बेटी। अब तुमसे क्या छिपाना बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, सब कुछ सिखाया है उसने अपनी बेटी को। लो आ गई हमारी बिटिया, जो चाहो सो पूछ लो। मेरे सामने तो ये जरा मैं अब पूछ लो बेटा, पूछो। क्या पढ़ा है तुमने? क्यों, क्या क्या पढ़ा है तुमने? बोल बेटी, बोल ना, बता दे बेटी। कन्या भोदिनी दूसरा भाग, हिंदी व्याकरण सार, भूगोल, अंक गणित, भारत वर्ष का इतिहास। गाना भी बहुत अच्छा जानती है बेटा। वो भजन तो सुना बेटा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। जरूर सुना बेटा, बहुत अच्छा गाती है। Thank you.
जा रहे हो बेटा? जूते? जूते नए है ना, देहाती। आपके नहीं, मेरे जूते। तुम्हारे जूतों की क्या बात है बेटा, बिलायती होंगे। नहीं, यहीं रखे थे। यहाँ जूते? जूते तो तुम्हारे यहीं रखे थे बेटा, कहाँ गए? खैर कोई बात नहीं बेटे, तुम मेरी चप्पलें पहन जाओ, कल मैं तुम्हारे आऊंगा तो तुम्हारे जूते लेता आऊंगा। Ha ha ha!